पप्पू यादव ने तोड़ा तेजस्वी का चक्रव्यूह। लालू कांग्रेस ने नकारा, तेजस्वी ने किया कैंप। पप्पू यादव की जीत की है ये कहानी। एनडीए को वोट दो या इंडिया गठबंधन को वोट दो, आखिर तेजस्वी की इतनी मेहनत के बाद कैसे जीते पप्पू यादव? आप सभी को पता है कि लोकसभा के परिणाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित सीट पप्पू यादव की मानी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव की लाख मेहनत के बाद भी पप्पू यादव आसानी से जीत गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों को हरा दिया। आपको बता दें, पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, लेकिन पप्पू यादव का मामला फंसा लालू यादव के घर पर। आपको याद होगा कि लालू यादव के घर पर पप्पू यादव ने जाकर मुलाकात की थी, जहां तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई, जिसकी जानकारी पप्पू यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी थी। तो लोगों को लगा था कि पप्पू यादव और लालू यादव के बीच में जो मनमुटाव था वो खत्म हो चुका, लेकिन कहानी कुछ और थी। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव सीट नहीं देना चाहते थे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एक निजी इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था और न कोई वायदा किया था कि पप्पू यादव के लिए हम सीट छोड़ेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने सभाओं में साफ तौर पर कहा था कि या तो इंडिया गठबंधन को वोट दो या फिर एनडीए को वोट दे दो, लेकिन बीच में किसी को वोट मत देना। आपको ये भी जब बता दें कि तेजस्वी यादव ने लगातार अपनी जनसभाओं में पप्पू यादव का मुद्दा ही पूर्णिया में उठाया था। पूर्णिया में वो लगातार दौरा कर रहे थे और वो जानते थे कि अगर हमने दौरा किया और एम बाई का समीकरण चल गया तो पप्पू यादव हार जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव का अपना एम बाई समीकरण था। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि इंडिया गठबंधन को वोट दो या फिर एनडीए को वोट दो, वहीं पर बात बिगड़ गई। पप्पू यादव जानते थे कि अगर इन्होंने एनडीए को वोट देने का आह्वान किया है, इसका मतलब यादव और मुस्लिम समझ जाएगा कि तेजस्वी यादव की निजी खुन्नस पप्पू यादव पर है, जिसकी कामयाबी सीधे पप्पू यादव की झोली में जाकर गिरी। पप्पू यादव ये जानते हैं कि पूनिया की जब बात आती है तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जान दे देंगे, लेकिन पूनिया नहीं छोड़ेंगे। छोड़ते भी क्यों? 1990 में पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता, 1991, 96, 99, 2004 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन पप्पू यादव लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। निर्दलीय नेता के रूप में पप्पू यादव की जीत के कई मायने हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को हराकर पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। आज ही पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे। पप्पू यादव बाहुबली नेता रहे, लेकिन इधर के कुछ वर्षों में उन्होंने लोगों की मदद करके अपनी अलग छवि गढ़ी, जिसका नतीजा सामने है। पटना की बाढ़ में जब डिप्टी सीएम खुद बाढ़ में डूब रहे थे, तब पप्पू यादव लोगों के सामने जाकर उनकी मदद कर रहे थे। कोरोना काल कोई नहीं भूल सकता है, कोरोना काल में उन्होंने अपना अलग चेहरा रखा। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।